राजस्थान के साउथ पार्ट में 3770 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो जाना जाता है पूरे विश्व भर में अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। डूंगरपुर अपनी बाउंड्रीज को लॉक करता है साउथ ईस्ट पार्ट में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से, नॉर्थ में उदयपुर से एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट में इंटर स्टेट बॉर्डर गुजरात से। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 13,88,900 से। वही डूंगरपुर का औसत घनत्व 367 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। डूंगरपुर में 96.5% हिंदू, 2.06% मुस्लिम और बाकी अदर रिलीजन के लोग डूंगरपुर में निवास करते हैं। फ्रेंड्स, डूंगरपुर में लैंग्वेज के रूप में हिंदी, राजस्थानी, वागड़ी और मेवाड़ी प्लस गुजराती भाषा भी बोली जाती है। वेल फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 994 औरतें हैं, जो डूंगरपुर को बनाता है राजस्थान का सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट। बांसवाड़ा की साक्षरता यानी कि लिटरेसी मात्र 59.46 है, जो डूंगरपुर को बनाती है उदयपुर के बाद 27वां सबसे ज्यादा साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, डूंगरपुर के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ12 RTO नंबर से। वही डूंगरपुर से नेशनल हाईवे के रूप में 927A गुजरता है। वेल फ्रेंड्स, बात करें डूंगरपुर के एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पर पाई जाती है दोमट मिट्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है गेहूँ, चना, मक्का और गन्ने जैसी फसलों की खेती खूब अधिक मात्रा में की जाती है। वही दोस्तों, बात करें डूंगरपुर में पाए जाने वाले मजदूर मिनरल्स की, तो यहाँ पर सफ़ेद अभ्रक, रूबी अभ्रक, बायोटाइट, लोहा, फ्लोराइट, सीसा, जस्ता और फ्लोसंपार जैसे खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप डूंगरपुर से हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डूंगरपुर के इतिहास की। तो इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि डूंगरपुर पर पहले भीलों का शासन हुआ करता था, लेकिन 1358 ईस्वी में रावल वीर सिंह ने भील शासक डूंगरिया को हरा कर डूंगरपुर शहर की स्थापना की थी। इसके बाद डूंगरपुर मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपना अधिकार कर लिया और डूंगरपुर उस समय प्रिंसली स्टेट की राजधानी भी हुआ करता था। इसके बाद हिंदुस्तान आजाद होने के बाद डूंगरपुर को 1948 में राजस्थान में सम्मिलित कर एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया गया। वेल फ्रेंड्स, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं डूंगरपुर के कुछ इंटरेस्टिंग और कमाल के फैक्ट के बारे में। दोस्तों, इसी डूंगरपुर में मौजूद है बाणेश्वर स्थान पर सोम, माही और जाखम नदियों के मिलने से बनने वाले संगम पर वनवासियों का एक महातीर्थ स्थित है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। दोस्तों, जिस वाटरफॉल को देखने के लिए आप और हम दूर दूर तक चले जाते हैं, वही डूंगरपुर राजस्थान का सबसे ज्यादा वाटरफॉल से सिंचाई करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। वेल फ्रेंड्स, फैक्ट तो ये भी है कि इसी डूंगरपुर में सबसे ज्यादा महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। महुआ के पेड़ से फर्नीचर और इसके बीजों से प्राकृतिक तेल और साबुन भी बनाया जाता है। दोस्तों, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट गुजरात बाउंड्रीज को लॉक करने वाला सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही दोस्तों, सबसे ज्यादा जनजातीय वाले डिस्ट्रिक्ट में भी डूंगरपुर का नाम सबसे ऊपर आता है। वेल दोस्तों, डूंगरपुर का गरबा डांस और गैर नृत्य वाकई देखने लायक होता है, जिसको मुख्य रूप से यहाँ के लोकल वुमेन्स और पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसी डूंगरपुर में एक से बढ़कर एक पहाड़ मौजूद है और मानसून के मौसम में तो इनका व्यू और भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार हो जाता है। इसीलिए तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी यानी कि सिटी ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा के दिन लगने वाला बेणेश्वर मेला काफी फेमस है। इसी मेले में आदिवासी लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, इसीलिए तो इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर मेले के अलावा डूंगरपुर में रथोत्सव मेला, मुरला गणेश मेला और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला प्रमुख रूप से होता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला 27 दिन के लिए लगता है। दोस्तों, डूंगरपुर से होकर गुजरने वाली माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में बाउंड्री बनाती हुई निकल रही है, और वही बाउंड्री बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा रेखा है। माही रिवर के अलावा डूंगरपुर से सोम और जाखम रिवर भी गुजरती है। दोस्तों, एक फैक्ट तो ये भी है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी डूंगरपुर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में मौजूद है। दोस्तों, वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाने वाला भोगीलाल पांड्या भी इसी डूंगरपुर से बिलोंग करते थे, जिन्होंने मुख्य रूप से वागड़ सेवा मंदिर और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। दोस्तों, इस बात की आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी कि इंडिया का प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक भी इसी डूंगरपुर में मौजूद है। साथ ही दोस्तों, इंडिया में हुए एक सर्वे के अनुसार डूंगरपुर उन 150 जिलों की लिस्ट में आता है जो सबसे पिछड़े जिलों में माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डूंगरपुर में सफेद और भूरे रंग का पत्थर भी पाया जाता है,
जिसे परेवा कहा जाता है। इस पत्थर से ब्यूटीफुल खिलौने और मुख्य रूप से मूर्तियां बनाई जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डूंगरपुर के कुछ मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस की। नंबर वन पर है जूना महल। इस महल का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये महल मुख्य रूप से सफेद पत्थर से बना हुआ है जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है। ये महल काफी बड़ा महल है जिसके कारण ये महल नहीं बल्कि एक किले जैसा लगता है। ये महल उस समय की कारीगरी का एक शानदार एग्जाम्पल पेश करता है। बाकी दोस्तों ये महल दिखने में बहुत ही शानदार और आपको मंत्रमुग्ध करने वाला है। हमारी दूसरी लोकेशन है गैप सागर लेक। दोस्तों डूंगरपुर में मौजूद ये झील वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पॉपुलर प्लेस है। बाकी दोस्तों मानव निर्मित ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत है। इसी के साथ यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट यहाँ के पक्षियों को देख कर भी खूब इंजॉय करते हैं। इसी झील के आसपास में कई प्रकार के अलग अलग पक्षी देखने को मिल जाते हैं जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों ये प्लेस आपको लेक सिटी उदयपुर की याद दिला देगी। साथ ही दोस्तों इसी लेक के सेंटर में बना हुआ है विजय राजेश्वर टेम्पल, जहाँ तक आप बोटिंग करते हुए पहुँच सकते हो। हमारी थर्ड लोकेशन है डियो सोमनाथ टेम्पल। सी दिस गाइस, ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ डियो सोमनाथ टेम्पल, जिस पर की गई नक्काशी और कारीगरी वाकई आपका मन मोह लेती है। इस मंदिर को देखने पर आपको सोमनाथ के मंदिर की याद आ जाएगी। सच में दोस्तों इस टेम्पल के बाहर और अंदर दोनों के आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार और जानदार है। साथ ही ये मंदिर आज से तकरीबन 800 साल पहले बनाया गया था। हमारी अगली लोकेशन है उदय विलास पैलेस। दोस्तों डूंगरपुर में मौजूद ये प्लेस भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये होटल टूरिस्ट के बीच में काफी फेमस है, शायद इसी कारण से ज्यादातर लोग इसी होटल में अपना स्टे बनाते हैं। ये प्लेस अपने रॉयल लुक के लिए पूरे भारत भर में जाना जाता है। भुवनेश्वर शिव टेम्पल, ये है भुवनेश्वर शिव टेम्पल। वेल फ्रेंड्स, ये टेम्पल टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के बीच में काफी फेमस है। ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और लोगों का कहना है कि इस शिवलिंग को किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि ये प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। साथ ही ये हर साल शिवलिंग का साइज बढ़ता है। साथ ही यहाँ पर रंग पंचमी के दिन वार्षिक मेले का भी एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। दिस इज ए बादल महल। लेक के किनारे बना ये बादल महल बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस प्लेस को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि आप इस महल को किसी एंगल से देखोगे तो आपको इस महल की पूरी चरसना देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों नाइट के समय में यहाँ पर मल्टी लाइट होती है जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और दोस्तों ये प्लेस इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर आज़ादी से पहले क्रांतिकारी गुप्त रूप से मिला करते थे। दोस्तों डूंगरपुर में इसके अलावा भी और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेस है, जैसे बर्ड सेंचुरी पार्क, फ्लावर गार्डन, शहीद भगत सिंह पार्क, ओल्ड पैलेस और गवर्नमेंट म्यूजियम जैसे और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेस मौजूद है जिसे आप डूंगरपुर में आकर देख सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक और सिटी टूर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।